हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन। लेके आया हूँ आपके लिए बहुत सारी खबरें। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है शाओमी की तरफ से। शाओमी की कल फ्लैश सेल हुई थी, जिसके अंदर नोट 5 प्रो जो है बुकिंग हुआ था। मैंने भी एक फ़ोन बुक कराया था, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, मैंने भी एक फ़ोन बुक कराया है दोस्तों, शायद कैमरे में इतना विजिबल नहीं होगा। बड़ी मशक्कत के साथ पूरे ऑफिस के अंदर हम सब लोग 20-25 लोग लग गए, तब जाके एक फ़ोन बुक हुआ। क्या आप जानते हैं क्यों शाओमी ने अब की बारी कैश ऑन डिलीवरी को मना कर दिया और सिर्फ उन लोगों को फ़ोन दिया जिन्होंने पेमेंट करी है? जानकारी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे। इसके पीछे रीज़न दिया है शाओमी ने, वो रीज़न ये दिया है कि जो लोग हमसे फ़ोन परचेज करते हैं वो आगे उसको सेल करते हैं, इस वजह से हमने इस ऑप्शन को जो है अब की बारी नहीं रखा है। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हमने ख़त्म कर दिया ताकि पैसे पहले दें, ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग होने से बच सके या ब्लैक में बिकने से बच सके। दोस्तों, जो लोग कैश ऑन डिलीवरी देके आगे बेच सकते हैं उनका क्या करें, या फिर जो लोग अभी पैसा दे रहे हैं उसको आगे बेच दें? ये सब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फंडा ये था कि हमारा पहले से ही पैसा आ जाए, ताकि हम मुझे क्योंकि जेन्युइनली मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने बेचना है वो आगे बेच सकते हैं। तो इस तरीके की मुझे कोई तुक इनका समझ में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि जिन्होंने पहले पैसे देने अब उन्हीं के पास ही नोट 5 प्रो आएगा। और ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कल जब 2-3 कंप्यूटर्स पे ऐसा हुआ कि मैंने पेमेंट के ऑप्शन पे जब क्लिक करा तो उस टाइम पे स्टॉक आउट हो गया। तो बड़ी अजीब सी बात है कि हम इतने सारे लोग मिलके भी सिर्फ एक सेट को हम बुक कर पाए। एनी हाउ, शाओमी की सेल में तो हमेशा ही ऐसा होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपको इस बार फ़ोन नहीं मिला है तो अगली बार आपको फ़ोन मिल जाएगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर आ रही है गूगल के एक ड्यू ऐप के बारे में। ड्यू ऐप अगर आपने नहीं यूज़ करा है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, काफ़ी अच्छा ऐप है, व्हाट्सएप की तरह मैसेजिंग ऐप है। क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जैसे आप व्हाट्सएप में वॉइस मेल भेज सकते हैं, मतलब वॉइस का छोटा सा आप एक बना के भेज सकते हैं ना, क्लिक करते हैं साइड में और उसके बाद माइक पर टच करके आप अपना वॉइस मैसेज जो है सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ड्यू ने एक कदम आगे जाके वीडियो मैसेज भेजने के बारे में अपना स्टार्ट किया है। तो आप 30 सेकंड का मैसेज जो है अपना वीडियो मैसेज जो है अपना रिकॉर्ड कर सकते हो और रिकॉर्ड करके किसी को भेज सकते हो। तो काफी सारे मोमेंट्स होते हैं, हैप्पी बर्थडे किसी को विश करना हो या किसी को और कुछ विश करना हो, तो डेफिनेटली आप वीडियो मैसेज के थ्रू भी आप उसको भेज सकते हैं। 30 सेकंड तक की लिमिट है। हो सकता है व्हाट्सएप भी इस फीचर को लाए, जब तक नहीं लाते हैं तब तक व्हाट्सएप की जगह आप गूगल ड्यू के अंदर इस फीचर को एंजॉय कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर जो आ रही है वो आ रही है BSNL की तरफ से। BSNL ने लॉन्च कर दिया एक धमाकेदार ऑफर, 399 रुपए के अंदर 30 GB का डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग। हंसी आ रही है दोस्तों, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं आजकल। अगर आपको कोई और कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो BSNL कनेक्शन लेके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 400 रुपये दीजिए, अनलिमिटेड कॉलिंग कीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो BSNL है उसका 4G जो सिर्फ केरला के अंदर है, इंडिया के अंदर, बाकी सब जगह पे इनका 3G नेटवर्क चलता है। बाकी नोकिया के साथ ही अभी कुछ इनका कोलैबोरेशन हो रहा है, तो नोकिया जितना हिट है उतना ही BSNL भी हिट है आज की तारीख में इंडिया में। पहले की बात तो छोड़ देते हैं, पहले तो MTNL भी बड़ा हिट था। दोनों ने, दो थके हुए शेयरों ने जो है आपस में साझेदारी की है और 10 सर्कल के अंदर ये 4G नेटवर्क लेके आने वाले हैं। जब तक नहीं लेके आते तब तक 399 का प्लान लीजिए या नहीं लीजिए, आई थिंक नहीं लीजिए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। बड़ी धमाकेदार खबर है, स्वाइप ने अपना एक फ़ोन लॉन्च कर दिया एलीट, जिसका 4000 रुपये का रेट है, मात्र 4000 रुपये का रेट है। इसके अंदर आपको मिलता है ड्यूल कैमरा, और ड्यूल कैमरा जो है वो आपको प्राइमरी कैमरे में मिलेगा, मतलब 8 MP प्लस 2 MP। तो लीजिए पोर्ट्रेट शॉट आप लीजिए, होएगा नहीं होगा, 2 MP कैसा है, 8 MP कह नहीं सकता हूँ। फ्रंट में आपको मिलता है 5 MP का कैमरा, इसके अंदर आपको मिलेगी 1 GB की रैम और इसके अंदर मिलेगा आपको 8 GB का स्टोरेज। क्वाड कोर प्रोसेसर है दोस्तों, 1.3 GHz, तो बोलते हैं बहुत ही स्पीड होगा, आपको बड़ा अच्छा सा परफॉर्मेंस इसके अंदर मिलने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन बड़ी सॉलिड है दोस्तों, हाथ में आएगा तो मालूम पड़ेगा कि कैसा है। बाकी मैं मान नहीं सकता हूँ कि 4000 रुपये के अंदर कोई इतने सारी कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है। फ़ोन की कैसी होगी हेल्थ और कैसी उसकी लुक क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी होगी, तो हाथ में आने में मालूम पड़ेगा। शायद किसी यूट्यूबर ने बना दिया हो इसके ऊपर वीडियो, तो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 4000 में फ़ोन लॉन्च हो गया है, अगर इसे गिफ्ट करना तो आप गिफ्ट कर सकते हो, और अपने लिए लेना चाहते हो तो अपने लिए भी ले सकते हो सेकेंडरी फ़ोन के तौर पर। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। दोस्तों, अगली खबर आ रही है शाओमी की तरफ से। एक के बाद एक शाओमी जो है लॉन्च कर रहा है प्रोडक्ट, और अब तो प्रोडक्ट क्या, मतलब उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने तो LED TV भी लॉन्च कर दिया, स्मार्ट TV आ गए हैं उनके, 55 इंचेस का आ गया, 43 इंचेस का आ गया, 32 इंचेस का आ गया। अब लेटेस्ट खबर आपको बताता हूँ, 14 मार्च को लॉन्च होने वाला है शाओमी का एक और फ़ोन, Redmi 5 होने के आसार हैं, और मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी से बता देता हूँ क्या हो सकती है।
इसके अंदर आपको मिलेगी एक 5.7 इंचेस की HD स्क्रीन और जिसका 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो होगा। अब 18:9 जो है वो लेटेस्ट है। और इसका अगला बता दूं आपको, अगला क्या होगा, इसका अगला होगा 19:8, क्योंकि नॉच वाले फोन आ गए। नॉच वाले फोनों में आप देखिएगा वो एस्पेक्ट रेशियो बढ़ जाएगी। आईफोन अब से आया है, LG भी इसकी कॉपी निकाल रहा है। मैं अगली खबर में उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल तो रेडमी 5 की मैं बात करता हूं। इसके अंदर आपको 450 का प्रोसेसर मिलेगा, क्वालकॉम का, स्नैपड्रैगन का। इसके अंदर आपको मिल सकता है 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। करीब करीब जो कीमत होने वाली है वो 7,500-8,000 के बीच में होने वाली है। तो हो सकता है कि 7800 के आसपास में ये लॉन्च हो इंडिया के अंदर। 15 मार्च के आसपास इसकी डेट है। दोस्तों आएगी तो मैं दूंगा इसकी अपडेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है नोकिया 6 से। नोकिया 6 का 3GB का जो वेरिएंट है वो सस्ता हो गया है। पहले 15,000 में था, अब है 13,500 में। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। इसमें 5.5 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है और स्नैपड्रैगन का 430 का इसके अंदर आपको चिपसेट मिलता है। साथ में 3000 mAh की बैटरी है। तो 13,500 में अगर आप नोकिया का फ़ोन लेना प्रेफर करते हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। छूट मिल रही है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मेरा फ़र्ज़ है, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। अगली खबर आ रही है Xiaomi के Note 5 Pro की तरफ से। Note 5 Pro में एक प्रॉब्लम आई थी। काफ़ी सारे लोगों ने Xiaomi के साइट पे जो है अपडेट किया कि हम हेडफोन जैक जब इसमें लगाते हैं तो उसके बाद साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, मतलब काफ़ी लो हो जाती है, आवाज़ उस तरीके से नहीं आती है। तो Xiaomi ने भी तुरंत जवाब दिया है, भैया अभी नया नया फोन लॉन्च हुआ है, तुरंत जवाब नहीं देंगे तो कैसे लगा, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैल जाएगी। इंस्टेंटली उन्होंने बोला हमने इसको सॉफ्टवेयर अपडेट से दूर कर दिया है, तो अब आप इसको डाउनलोड करेंगे नई अपडेट को, उसके बाद चलेगा आपका फ़ोन बिल्कुल चकाचक, आवाज़ आएगी फर्स्ट क्लास। तो हो गया है फिक्स। अब आप भी हेडफोन लगा के देख लो, बाकी फ़ोन मिला है तो हमें तो मिला नहीं है, अभी आएगा तो देंगे, बुक तो हो चुका है हमारा भी फ़ोन। दोस्तों अगली खबर आ रही है OnePlus 5T अभी चल रहा है, अब OnePlus 6 आने वाला है। वैसे मैं आइडिया दे देता हूँ कि ये कब आएगा, ये सेकंड क्वार्टर में आएगा, तो जून जुलाई के आसपास में इसके आने की उम्मीद है। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। वैसे ऐसी जो अफवाहें होती है ना बहुत चलती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे OnePlus 1 आया, फिर OnePlus 3 आया, 3T आया, फिर OnePlus 5 आया, तो मुझे लगता तो नहीं है कि OnePlus 6 आएगा। जिस तरीके से चल रहे हैं OnePlus 7 आना चाहिए, लेकिन फिर भी रूमर्स आए हैं OnePlus 6 के। मेरा आइडिया ये कहता है OnePlus 7 आना चाहिए, लेकिन OnePlus 6 का भी रूमर आया है, मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। खबर आई है, मेरा देना आपको बनता है ज़रूर, कि 845 का होगा इसके अंदर चिपसेट और इसमें भी नॉच होगी आईफोन की तरह। तो 18:9 का नहीं, 19:9 का मतलब कि इसका रेशो रहने वाला है। और परफॉर्मेंस जो है इसके अंदर दो वेरिएंट आने की अभी इसमें गुंजाइश है, 6GB का और 8GB का। तो 128GB की स्टोरेज और 256GB की स्टोरेज इसके अंदर हो सकती है। जून जुलाई के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है, उसके बाद धीरे धीरे गर्म करते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, खुद ही अफवाहें उड़ाती हैं कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट की एक बनाने के लिए, मतलब बस क्रिएट करने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है, कोई भी अपडेट आएगी तो छूटेगी नहीं, होगी आपके साथ शेयर ज़रूर। ये नॉच पे नॉच, नॉच पे नॉच। अगली खबर भी आ रही है नॉच वाले फोन की तरफ से। LG का फोन आ रहा है G7 और मॉडल का नाम है नियो। इसके अंदर भी 845 का प्रोसेसर होने वाला है। तो मेरे ख्याल से इस साल छाने वाला है 845 प्रोसेसर। जितने भी फ्लैगशिप फोन आने वाले हैं एंड्रॉयड के, उनमें लगभग आपको मिलेगा 845 का प्रोसेसर। और नोकिया की बात करो या फिर बात करो सैमसंग की या फिर बात करो LG की या फिर बात करो OnePlus की, सब में 845 है। अभी LG के बारे में बात कर लेते हैं। LG जो है अपना नियो 7 जो है, G7 जो है फ़ोन लेके आने वाला है और उसके अंदर नॉच वाला इसके अंदर डिस्प्ले होगा, 845 का प्रोसेसर होगा। आई होप शायद ये फ़ोन चल जाए, क्योंकि LG के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं दोस्तों। लुटी पिटी कंपनी हो चुकी है इंडिया के अंदर, कोई खरीदता नहीं है। मुझे LG का फ़ोन किसी हाथ में दिखता नहीं है। अपडेट आएगी तो होगी आपके साथ शेयर। नॉच ही नॉच है चारों तरफ, नॉच ही नॉच। अगली खबर आ रही है सैमसंग ऑन मैक्स। सैमसंग के फ़ोन नॉर्मली लोग लेना पसंद करते हैं और इस पर मिल रही है 3000 की छूट फ्लिपकार्ट पे। लेकिन 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 ये है कम कुछ ही दिनों की मेहमान है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अगर आप फ़ोन ले रहे हैं, 3000 का मिल रहा है डिस्काउंट, 16,990 का ये फ़ोन था, अब मिल रहा है आपको 13,990 पे। और अगर आपके पास है HDFC कार्ड तो आप ले सकते हैं इंस्टेंटली एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। फ़ोन की स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो है, इसके अंदर 5.7 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले है, 1.69 GHz का ऑक्टा कोर मीडिया टेक का प्रोसेसर है। सेल्फी सेंट्रिक, एक तरह से ये भी सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है, बहुत अच्छी सेल्फी आती है दोस्तों इसके अंदर। इसके अंदर आपको इनबिल्ट 32GB की स्टोरेज है, 256GB की आपको SD कार्ड के थ्रू आप लगा के ले सकते हैं, 4GB की इसमें आपको रैम मिलेगी, 7.0 Noga पे चलता है और ड्यूल सिम जो है दोनों के दोनों 4G वोल्टेज फ़ोन है।
अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। 1.7 अपर्चर का 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और फ्रंट जो कैमरा है 1.9 अपर्चर का 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। 3300 एमएएच की बैटरी है इसके अंदर। अब यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा सेल्फी सेंट्रिक है जी भैया, ओप्पो वाले तो सेल्फी के लिए बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सैमसंग है ना। तो दोस्तों ये भी सेल्फी सेंट्रिक है, ओप्पो भी सेल्फी सेंट्रिक है, आपकी चॉइस है। दोनों की सेल्फी देखिएगा, मैच कीजिएगा, जिसकी अच्छी लगे उसको डन कीजिएगा। मेरा फर्ज था आपको बताना। और ये थी आज की आखिरी खबर, उम्मीद करता हूँ आपने इंजॉय किया होगा आज का टेक खबर। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अरे लाइक किया आपने वीडियो? नहीं किया लाइक कर दिया करो यार, एंड तक देखा है, लाइक नहीं करते हो सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, शेयर करना चाहो तो कर दो शेयर। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।